बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या ही बढ़िया एंट्रेंस है इस गार्डन रेस्टोरेंट का। सब जगह ये हरियाली, ये पेड़ फूल और ये पेंटिंग्स बहुत ही उम्दा। अगर आप भी मेरी तरह ढाबा फूड के शौकीन हैं तो ये एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये स्किल है, ये बढ़िया स्किल है। अच्छा हर सीजन में मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अच्छा ग्रेवी वो है कितनी मात्रा में? बहुत सारे क्वांटिटी में यहाँ पे पनीर पक रहा है और अपनी उस्ताद ही कटिंग शॉपिंग भी कर लेते। अरे मसाला पापड़, नकली मसाला पापड़। ये देखिए इन्होंने चिड़िया के लिए दाना रखा है और कितने सारी चिड़िया है यहाँ पे, वेरी प्लेजेंट टू वॉच। दोस्तों फूड फ्लेवर ट्रेवल्स में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका होस्ट विनीत गद्रे। हम है अभी पिंपड़ गांव में, यहाँ पे प्याज की बहुत बड़ी मंडी है। ये नासिक से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का बेस्ट वेज ढाबा जो कि है माखन लाल ढाबा। क्या ही बढ़िया ये सराउंडिंग से और काफी सुहाना मौसम है, उतना ही बढ़िया ये गार्डन रेस्टोरेंट। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे बल्क कटिंग और चॉपिंग हो रही है, क्या बात है। मुझे ऐसे देखने में काफी मजा आता है जहाँ पे बल्क कुकिंग होती है, कटिंग चॉपिंग होती है। क्या आपको भी ये पसंद है? जरूर हमें कमेंट में बताइए और स्पीड देखिए कटिंग का। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, इतने बड़े मात्रा में ग्रेवी है तो ज़रा देखते हैं। भाई को बोला मैंने थोड़ा सा ढक्कन उठाए। तो ये जो वेजिटेबल के बेस है ग्रेवी वो है, कितने मात्रा में लगभग कितने किलो का पतीला हो गया? 30-40 किलो तो रहा। अच्छा 200 लीटर का है, बाप रे। एक दिन में ख़त्म हो जाता है, क्या बात है। देखो क्या ही बढ़िया सेटअप है, सारे सब्जी काट के रखे, फ्राई करके रखे। यहाँ पे पनीर है, मैरिनेटेड पनीर है, फ्राइड पनीर है, ग्रेटेड चीज़, क्रीम, फ्राइड काजू, मक्खन और मसाले का डब्बा जो कि हर ढाबे का ट्रेडमार्क होता है। काफ़ी बढ़िया सेटअप। और अभी हमारे वस्ताद वापस कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे? काजू करी। ये स्वीट आएगा क्या? तो गया तेज पत्ता बटर में, बहुत सारा बटर। ग्रेटेड पनीर, नमक, तो ये बन गई काजू ग्रेवी की, काजू करी की ग्रेवी। ये ग्रेटेड पनीर है ना, और आगे फाइनली फ्राइड काजू। अच्छा, ये यहाँ की स्पेशलिटी बन रही है मक्खन लाल, सारा मिक्स में आता है। और मक्खन, धनिया। अब ये बन रही है अगली डिश, पनीर मुमताज। बड़ा अलग सा हटके नाम है मुमताज।
ये आ गई ग्रेवी। क्रीम, ग्रेटेड पनीर और थोड़ा सा दूध। और यहाँ पे दो तीन टाइप के पनीर है, इसमें ये मैरिनेटेड वाले है क्या? अच्छा, कुछ मैरिनेटेड है, कुछ फ्राइड है, और कटिंग चॉपिंग भी अलग है सबका। फिंगर कटिंग, तो फिंगर कटिंग आता है, स्क्वायर कटिंग आता है, अलग अलग डिश के हिसाब से अलग अलग पनीर उसमें डाला जाता है। ढाबे की प्योर जान, बहुत सारे क्वांटिटी में कटा हुआ पनीर, अलग अलग शेप और साइज में कटा हुआ है। और ये सब्जियां बन रही थी, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश हुआ है, बहुत अभी बढ़िया नजर आ रही है। ये वाली कौन सी? ये पनीर मुमताज है, इधर का माखन लाल स्पेशल, ये वेजिटेबल में आता है पूरा। ये अपने महाराष्ट्र डिश, ये बन गई है एक वेज मराठा। वेज मराठा, तो दो ग्रेवी रेड वाली है और ये ब्लैक ग्रेवी वाली। ये पीस ला रहे अभी, ये जो वेज मराठा में बॉल्स आते हैं वो फ्राई किए जा रहे हैं। वीडियो की लेंथ छोटी रखने के लिए हमने रेसिपी शॉर्ट में बताया, पर आपको अगर डिटेल में जानना है तो हमें जरूर कमेंट कीजिए, हम डिटेल वीडियो भी डाल देंगे। तो ये आगे वेज मराठे में बॉल्स और ये रेडी अपने। तो भाकरी तो यहाँ काफी भी बढ़िया थी, एकदम मस्त। हमने भी अभी ट्राई की खाने में, तो अपने उस्ताद बना रहे हैं यहाँ पे तंदूर पे। रोटी गर्मा गर्म निकल आई अपनी। ये खाकरे का डो है, बेहतरीन तरीके से फूला हुआ, अभी ये बना रहे हमारे सामने। रुमाली खाकरा बन रहा है, देखते हैं अभी मेकिंग विटनेस करते हैं इसका। काफी स्किल का काम है, पतला सा बनता है। काफी पतला सा बेल गया अभी है। ये स्किल है, ये बढ़िया स्किल है। काफी सारे यूट्यूबर भी बन रहे हैं यहाँ पे, एक बार तैयार हो जाए तो। ये फूले नहीं, इसके लिए उसको थोड़ा सा छेद किए गए। अभी ये खाकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया और इसकी कटिंग की जा रही है। ये बन गया सुनहरा कलर का अपना खाकरा, रुमाली खाकरा। अभी इस पे बटर और चटनी लगाएंगे। हमने अपने लिए मंगाया वेज मक्खन लाल और वेज मराठा, दोनों का टेस्ट बेहतरीन है, मुझे वेज मराठा ज्यादा पसंद आया। अभी बरसात का सीजन चल रहा है, चारों तरफ हरियाली है और इतना पीसफुल ये गार्डन रेस्टोरेंट है कि यहाँ के मजा ही आ गया। वैसे तो ये काफी क्राउडेड रहता है, जैसे आप देख रहे थे शाम की तैयारी यहाँ पे चालू थी, पर एक बात मैंने नोटिस की, यहाँ की क्लीनलीनेस बहुत ही अच्छी है। हमने बिना इंटीमेशन यहाँ पे इनसे शूट की परमिशन मांगी किचन के, और इन्होंने हमें दे भी दी, और काफी काबिले तारीफ यहाँ की क्लीनलीनेस थी। वाकई हमें ये बेस्ट वेज ढाबा इन पिंपड़गांव लगा। तो आप भी आपके कोई स्पेशल ओकेजन फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर आइए, और किड्स तो यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अगर पसंद आया तो कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले मनोरंजक एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।